प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों के जो लगातार कमेंट आते हैं, आप लोगों के लगातार जो मैसेज आते हैं, आप लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं, तो उससे आप लोगों की बेचैनी पता चलती है। बेचैनी निश्चित तौर पे कुछ लोगों के दिमाग में तो ज़रूर होगी, और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं पे जो कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते। हम लगातार होता है, आए दिन कमिटमेंट करते रहते हैं, और कमिटमेंट पूरा कर पाना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। तो ज़्यादातर जो छात्र हैं, जो परेशानियां हैं आप लोगों की, तो वो ये है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे वादे करते हैं और उन वादों से मुकर जाते हैं, कभी भी आप एक व्यवस्थित दिनचर्या बना ही नहीं पाए, कभी भी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसमें चल ही नहीं पाए। दरअसल होता क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कल्पना शक्ति आपके दिमाग में। मैं आज आपको बहुत वैज्ञानिक तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास ये करूँगा कि आपके मन की उलझन को समाप्त कर पाऊँ, ठीक है, लाइफ मैनेजमेंट के आज के सेशन में। और बहुत बारीकी से हम उन सभी कारणों तक पहुंच पाएं जो कारण आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और जिनके कारण से आप लगातार हतोत्साहित हो जा रहे हैं। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका यहां पर खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, पहला मुद्दा ये है कि जब आप किसी जर्नी में निकलते हैं, जब आप किसी सफर में निकलते हैं, तो शुरुआती एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे ये मैं कैसे कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जब कभी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन बैच में आते हैं, जब वर्कशॉप सेशन होते हैं। मैंने आज तक, यदि मैं अपना जो पूरा अभी तक का शिक्षा का सफ़र रहा है, लगभग 500 से ज़्यादा वर्कशॉप सेशन लेने का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो जितने बच्चों से मैं रूबरू हुआ आज के समय पर, उन सभी बच्चों में मैंने सिर्फ एक चीज़ पाई, लगभग सभी में, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जो शुरुआती दौर पे तैयारी करने आते हैं, तो मैं पाता हूँ कि शुरुआती एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो छात्र बहुत सीनियर हो चुके हैं, उनका एक्साइटमेंट मर भी चुका होगा, धीरे धीरे एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम किया, थोड़ा क्या, किसी का ग्राफ तो बिल्कुल नीचे चला गया होगा, है ना। तो शुरुआत में ग्राफ कुछ ऐसे होता है, जब शुरुआत होती है तो मुझे लगता है ग्राफ की शुरुआत ही ऐसे होती है, बिल्कुल बिगनिंग से, ठीक है, मुझे लगता है ग्राफ ऊपर उठा ही होता है, ठीक है। यदि आप देखें तो ग्राफ ऐसे पूरा ऊपर उठा ही होता है, सीधा बड़ा बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी, वो नीचे नहीं गिरता, ग्राफ ऊपर ही रहता है, शुरुआत में ग्राफ ऊपर बढ़ता ही जाएगा, ये शुरुआती दौर होता है। और ये कब कब मैंने देखा, जब वर्कशॉप सेशन पे बच्चे आए तब मैंने देखा, ऑफलाइन बैच की शुरुआत में मैंने बच्चों को देखा, ऑनलाइन बैच जब प्रारंभ होता है तब मैंने देखा, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे, तब क्यों होता है, कारण यानी ये चीज़ पाई, जब खुद एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि ये शायद कहीं ना कहीं पे चीज़ों के ज्ञान का अभाव है। हमारे पास हमारा ब्लैंक होता है मानचित्र पूरी तरीके से, हमें उसे फिल करना होता है, है ना, उसे फिल करना होता है, लेकिन पहले ब्लैंक ही होता है, सबका ब्लैंक होता है। तो चूंकि ब्लैंक होता है तो फिल करने का एक्साइटमेंट होता है अपने कैरियर को, और जब उस दिशा में बढ़ना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद कल्पना शक्ति काम करना शुरू करती है। और कल्पना शक्ति, आपको सच बताएं कि किस दिशा तक जा पाएगी, ये आपको भी अंदाजा नहीं है। अब ये कैसे होता है, ये होता है आसपास के लोगों से। अब आसपास के लोग आपको मिलना शुरू होते हैं, जब आप जर्नी शुरू कर देते हैं, यदि आप कहीं भी कैसे भी तैयारी कर रहे हैं, तो आसपास आपके एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। वो इन्वायरमेंट आपके परिवार का हो सकता है, आपके दोस्तों का हो सकता है, आपके जो सोसाइटी हो सकती है, समाज हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आपके मित्र हो सकते हैं इसमें, और कुछ अननोन पर्सन जो लगातार आपके जीवन में रूबरू होते रहते हैं। हो सकता है उनका अपना कोई एक्सपीरियंस ना हो, एक बहुत मज़े की बात आपको बता रहा हूँ, जो लोग आपके एनवायरनमेंट के आसपास हैं, पता नहीं, शायद उनका कोई अपना खुद का एक्सपीरियंस ना हो उस विषय में, लेकिन उनके पास एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, कमेंट्री करना। आप देखते हैं ना, कई बार हम क्रिकेट खेलते हैं और कई बार हम देखते हैं, दो परिस्थितियाँ होती हैं। क्रिकेट एक ऐसा मैच है, मुझे नहीं लगता कोई आप में से नहीं खेला होगा बचपन में,
तो एक स्थिति होती है खेलने की, एक होती है बाहर बैठ के मैदान के बाहर बैठ करके कमेंट्री करें। अब तो आजकल हम मान लो टीवी में भी देखते हैं तो भी कमेंट्री एक्साइटेड होते रहते हैं, है ना। कभी भारत पाकिस्तान के मैच में तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि अरे इंडिया जीतेगा, और इंडिया को लेकर के जो हमारा एक जुनून होता है, जोश होता है, तो हर एक गेंद पे यदि नहीं मार पाए खिलाड़ी तो हमें लगता है अरे यार ये क्या कर रहा है। वैसे ये जो कमेंट्री करने का सीन है ये आपके पास पास का इन्वायरमेंट करता है, चूंकि खेल आप रहे होते हो, खिलाड़ी यहाँ पर आप होते हो, जो आप कैरियर के लिए निकले हो तो खिलाड़ी आप हो मैदान में, बाकी सब कमेंट्री करने वाले हैं, और ये कमेंट्री करने वाले अब ये चूंकि उसके बारे में जानते ही कितना है, मैं सच बताऊं यही मुद्दा है, चूंकि ये जानते ही नहीं है ज़्यादा। अब जैसे अभी क्या है, अभी बहुत सारे बच्चे 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम पास आउट हुए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग होंगे जो ग्रेजुएशन भी इस साल फाइनली हो पा रहा होगा, और जब देखो 12वीं के बाद ही दबाव बनना चालू होता है कि भाई अब कैरियर की तरफ मुड़ना है, लेकिन 12वीं के बाद एक्साइटमेंट भी बहुत होता है, बहुत जोश में होते हैं हम। लेकिन आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आप में से कुछ मास्टर भी कर चुके होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो तो 3 बार एग्जाम निकाल भी चुके होंगे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब तक पहुँच गए होंगे लेकिन जो चाहिए होगा वो नहीं मिला होगा, और जिनको मिल भी गया हो सकता है वो अपने आप से सेटिस्फाइड ना हो। तो कहीं ना कहीं पे जब वो जर्नी शुरू हुई थी आपकी तो आप भी उतना ही एक्साइटमेंट था, लेकिन एक्साइटमेंट चला कैसे गया, मतलब क्या कारण हो गया कि आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गए, ऐसा क्या रीज़न हो गया, कभी इसको खोजने का प्रयास किया है आपने? शायद कभी नहीं किया हो, शायद मेरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इसको खोजने का प्रयास किया। दरअसल आसपास का इन्वायरमेंट ही ऐसा है, वो कमेंट्री करने वाले लोग आपके आसपास हैं जो आपका अनुभव बनाते चले जा रहे हैं। एक ऐसा अनुभव देखो, अनुभव दो तरीके का होता है, एक अनुभव होता है जो हम खुद से प्राप्त करते हैं, एक अनुभव होता है जो दूसरे को देख करके अनुभव, वो भी एक अनुभव होता है ना। मुझे लगता है कि ज़्यादातर हम अनुभव एक्सपीरियंस के तर्ज पे लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोरोना महामारी है आज के टाइम पे, एक सबसे बड़ा अनुभव हमें दिख रहा है अमेरिका का अनुभव कि उस कंट्री ने कैसे डील किया, आज की इस कंडीशन में पहुँच गया, है ना। तो कहीं ना कहीं पर हम अनुभव कई बार देख कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए घर से निकले, तैयारी किया, और आपके आसपास में कोई बच्चा पहले करके आया हो और सेलेक्ट ना हुआ हो, तो आपके घर वाले उसकी तरफ इंगित करते हैं कि देखो वो बच्चा हो गया, कल के दिन आप भी एग्जाम्पल मत बच जाना इसे, ठीक है। देखो वो बच्चा निकला था, गया, कुछ नहीं किया, फाइनली आकर के लौट गया। कई बार मैं एक चीज और बताऊं, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने को निकलते हैं और जब दोबारा गाँव में पहुंचते हैं तो भी अपने आप में एक बहुत बड़े स्तर की बेइज्जती सी महसूस करते हैं, है ना। ऐसा भी लगता है उन्हें कि गांव चले जाएंगे, वैसे इसमें ऐसी बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हम कहीं से जाकर के डिमोटिवेट होकर ही गांव पहुंचते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जाके अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे और फिर वापस भागने की सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये होता है आमतौर पर, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा मानसिक स्थिति है। तो जो आपके साथ ये पूरी कंडीशनिंग है कि बाहर का जो कमेंट्री करने वाला इन्वायरमेंट है आपका, इस एनवायरनमेंट को आप कैसे तोड़ें, कैसे इसको बहुत ज़्यादा प्रभावहीन बना दें, इसको तो मैं किसी दूसरे वीडियो पे बात करूँगा, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ कि आपको अंदर के एनवायरनमेंट पे कैसे काम करना है, आपका अंदर का एनवायरनमेंट कैसे आपको कमज़ोर बनाता है। और एक चीज़ और बताऊँ, आपकी बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो आपके अंदर ऊपर हावी हो चुकी है, बहुत सारी आदतें हावी हो चुकी हैं, जैसे सुबह जल्दी ना उठने की आदत, जैसे रात भर जगने की आदत। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं कि आप में से 90% बच्चा ऐसा होगा जो इन आदतों से उबरना चाह रहा होगा लेकिन उबर नहीं पा रहा होगा। डेली प्लान करते होंगे, डेली अपने आप में एक संकल्प लिया जाता होगा, एक कमिटमेंट किया जाता होगा, लेकिन वो कमिटमेंट धरा का धरा ही रह जाता है। तो अब ऐसी कंडीशनिंग में कैसे हम इसको डील करें, कैसे इसको लेकर चलें, कैसे इस पे आगे बढ़ें, कैसे फिर से मोटिवेट होकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें, क्या करें क्या ना करें, इस विषय पे आज मैं पूरी चर्चा करूंगा आप लोगों से। और मैं फिर से चाहता हूं कि उठिए और अपने लक्ष्य की तरफ भागिए, डरिए मत, इस कल्पना शक्ति को रोक दीजिए जो दिमागों में विचार शक्ति बह रही है आपकी, ये आपको बर्बाद कर देगी, आपको कहीं नहीं ले जा पाएगी। कर्म करने पर ही फल मिलता है, कर्म करने के अतिरिक्त कहीं पर भी फल नहीं है। यदि आप सोचने का कर्म करेंगे तो रिजल्ट इसका कुछ नहीं होगा। क्या
क्या होगा मुझे बताइए, अभी अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? जिस चीज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसान ने 3-4-5 महीने पहले गेहूं बोया था, बकायदा उस गेहूं की देखरेख की थी, जरूरत व्यवस्थाएं की थी, आज गेहूं पका खड़ा है खेत में, आज वो काटने के समय में पहुंच गया अपने खेत में। यदि आप गेहूं बोगे ही नहीं तो गेहूं कैसे पैदा होगा? कांटे बोगे, कांटे ही सोचने में टाइम बर्बाद कर दोगे, सोने में टाइम बर्बाद कर दोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ है। और आज तक जिन लोगों ने ये काम किया है वो करके दे, वो बता दे कि उनका क्या रिजल्ट है। मैं हमेशा कहता हूं कि आज आप जो भी हो, आप पुराना जो आपका इनपुट है, जो आपने अभी तक इनपुट दिया, वो सभी इनपुट आपके सामने है और कुछ नहीं है। तो अब चलिए मेरी बात सुनिए, जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस विषय पर आते हैं। वो विषय है कि कमिटमेंट। पहला क्वेश्चन आपसे, इतने बड़े कमिटमेंट क्यों? कौन मजबूर करता है आपको कमिटमेंट लेने के लिए? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि आपको कमिटमेंट लेने के लिए मजबूर कर दे? कौन है वो व्यक्ति बताइए? आप खुद हैं और कोई नहीं है, आप स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। छोटे मोटे कमिटमेंट लेने आते ही नहीं और फिर कल के दिन हिम्मत नहीं होती उस कमिटमेंट को पूरा कर पाने की। अरे एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है, लेकिन कमिटमेंट तो होश में लीजिए। किसने कहा था कि आपको सुबह 4 बजे ही जगना है, 5 बजे ही जगना है? अरे 8 बजे का कमिटमेंट लो, लेकिन पूरा करो उसे। लेकर के पूरा नहीं कर पाने से क्या मिल जाता है आपको, क्या हासिल कर पाते हैं आप? जब आपको अपनी क्षमताएं पता है कि आपकी क्षमताएं नहीं है और कमिटमेंट लेकर अपनी क्षमताओं पे और शक बढ़ा देते हो, आज इस कंडीशन में आके पड़े हो जो अवसादग्रस्त हो गए हो, जो निराश हो गए हो, जो मन में व्यथित हुए बैठे हो, आज ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ना हो जाए जीवन में, इसका कारण स्वयं आप हो, आपके कमिटमेंट हैं। इस बात को मानना पड़ेगा आप सभी को, नहीं तो कौन है बताइए मुझे, कौन है जो इसका कारण नहीं है? आप हो स्वयं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना प्रत्यारोपण करके उसको अब और उसको उसको अपराधी बनाकर दूसरे को आप अपना बचाव करना चाहते हो और कुछ नहीं, इससे ये भी एक अपराध है अपने आप में। तो सबसे पहले अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वयं पे लीजिए कि जो भी गलती हुई, जो भी हुआ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब तक जो मेरे साथ हुआ, अब आगे की रणनीति ऐसी होगी कि उस रणनीति में मैं इतने बड़े कमिटमेंट तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़े कमिटमेंट बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। पहली बात तो ये, मानोगे? हो पाएगा? कर पाओगे? सुन रहे हो मेरी बात? कानों में तेल डाल लीजिए और इसको ध्यान से सुनिए। जो बड़े कमिटमेंट बनाने की बात है, किसी भी दिशा में जहां भी आप बढ़ना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा, हमेशा मेरा एक डायलॉग रहा है, जो बच्चे मेरे वर्कशॉप सेशन में आए हैं मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ा थोड़ा खाओगे तो हाथी भी खा जाओगे। आपको क्या चाहिए? पूरे हाथी को एक ही बार में खाना है, पूरे सिलेबस को एक ही बार में खाना है। आज ही आपको 4 बजे उठ जाना है, एक ही बार में आप सब कुछ पाना चाहते हो, आज ही एक ही दिन में पूरी जिमिंग करके बॉडी बना लेनी। अरे नहीं हो पाएगा बाबू, कुछ नहीं होगा किसी को। होगा कब? जब आप अपने कमिटमेंट के प्रति क्रमबद्धता से बढ़ोगे तब होगा। क्रमबद्धता से बढ़ने वालों का ही हुआ है। आज जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वो पहले अपने जीवन में बहुत अनसक्सेसफुल थे, और ये जो मुझे नहीं लगता कि उनको भी अवसाद नहीं आया होगा, उनको भी तनाव नहीं आया होगा, आया होगा, उनको भी बड़े स्तर का तनाव आया होगा, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि वो अपने जीवन में रुके नहीं कभी भी। आप क्या करते हो? बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े, बहुत बड़े स्तर का। अरे एक छोटी सी बात करो, छोटे कमिटमेंट लो, छोटा से छोटा कमिटमेंट लो और उसे पूरी शिद्दत से करो। आपको एक पेज ही पढ़ना है, नहीं 100 पेज पढ़ना, लेकिन एक पेज को भी अच्छे से पढ़ो।
इतना कमिटमेंट करके पढ़ो, कल के दिन दो पेज का कमिटमेंट किया तो कमिटमेंट को करके पढ़ना है। तो एक बार जो कमिटमेंट कर दो उसे पूरा करो चाहे जो हो जाए, और कमिटमेंट छोटा करो, लंबा मत करो, एक महीने दो महीने दस महीने का कमिटमेंट मत करो। और कुछ लोग घर वालों से भी कमिटमेंट पे कमिटमेंट करते हैं और फिर घर वालों की तरफ चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते, रिश्तेदारों से भी कमिटमेंट करते हैं, रिश्तेदारों के सामने चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते। किसी से कमिटमेंट मत करो, अपने आप से करो, छोटा से छोटा करो, और जब एक बार कमिटमेंट कर दो उसे पूरा करके ही दम लो। तो पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस पूरे सेशन में, कमिटमेंट स्वयं से करना है। पहली चीज ये, बाहरी व्यक्ति से कमिटमेंट नहीं करना है, पहली चीज ये सीख लो। दूसरा, स्वयं से कमिटमेंट करने के बाद छोटा से छोटा कमिटमेंट लेना है, और छोटा से छोटा कमिटमेंट लेने के बाद उसको पूरा करने में जान लगा देनी है। और जब भी कमिटमेंट ले लिया, लेने के बाद उसे पूरा करना ही है, तब दूसरा काम नहीं करना, पहले वो कमिटमेंट पूरा कर देना है। कल पे चीजों को नहीं टालना है बस। और आज जो भी आप हो, कल पे टालने के कारण हो, आज तक टालते चले गए, अरे टाल लो, जिंदगी खत्म हो जाएगी टालते टालते। औसाद अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत बुरी कंडीशन में जाओगे। यदि आप नहीं संभले तो आप संभल जाओ, सीख जाओ इस बात को। तो अपनी लाइफ में अब देखो कैसे छोटे छोटे कमिटमेंट बनाए जाते हैं। जीवन का नाम क्या है? जीवन में आपको, जीवन का मतलब 60 साल 70 साल ही तो है, और क्या है आपकी जिंदगी में, है ना? इससे ज्यादा तो जीने वाले नहीं हो जो ऐसी लाइफ स्टाइल कर रहे हो। 60 साल 70 साल हमें जीना है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं भी 60 70 साल तक, इससे आगे नहीं चल पाएगी कहानी। 60 70 साल की हमारी जिंदगी है, ठीक। अब 60 70 साल आपके बटे हुए, हर एक साल आता है, हर साल आप जो है हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर करके रेजोल्यूशन बनाते हो बड़े बड़े, कोई मतलब नहीं है उसका। साल 12 महीनों में बटे हुए हैं, 12 महीने सप्ताह, हर महीना सप्ताहों में बटा हुआ है ना? एक महीने में 4 सप्ताह हैं, सप्ताहों में 7 दिन बटे हुए हैं, 7 दिन में एक दिन आज जो आपका देख रहे हो मेरा वीडियो, आज का एक दिन, ये पहला दिन है आपका, ठीक है। और ये पहले दिन का ये घंटा है, ये मोमेंट है जिसको आप देख रहे हो। तो देखा जाए तो बेसिक लेवल पे आपका जो जीवन है ये समय है जो आपके साथ चल रहा है। अब हो सकता है जीवन में बहुत कुछ करना चाह रहे हो लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे हो, तो यदि अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो आगे की क्या गारंटी है कि कुछ कर ले जाओगे? कुछ नहीं करोगे। जो अभी कर रहे हो, अभी सो रहे हो तो कल भी सोओगे, अगले घंटे भी सोओगे, आज अभी बात को टाल रहे हो, कल की कोई गारंटी नहीं कि आप कुछ कर जाओगे। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं कह रहा, अरे मैंने कहा अभी तक कुछ नहीं किया यार, क्या गारंटी है? तुम कमिटमेंट पे कमिटमेंट भर करने वाले पर्सनालिटी हो, तो इंपॉर्टेंट पद क्या हुआ? अभी। कल का मुझे नहीं पता क्या होगा मेरी जिंदगी में, नहीं पता, ठीक, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कल क्या होगा, कल रहे ना रहे, क्या हो क्या ना हो, क्या परिस्थितियां हो। पता था कि लॉकडाउन लगेगा कभी भारत में इतना लंबा, कभी लगा था कि संस्थान बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में जो पूरा विश्व बंद हो जाएगा। पता था कोरोना जैसा वायरस आएगा तो हम उसकी दवा नहीं बना पाएंगे, कभी पता था? नहीं पता था ना भाई। तो नहीं पता था तो आगे की प्लानिंग क्यों? कभी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो प्लानिंग करनी ही नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग पता हो तब प्लान करें ना। प्लान किन चीजों को किया जाता है? प्लान उन चीजों को किया जाता है जो हमारे जीवन में निर्धारित होती हैं। अब जो निर्धारित नहीं है, जिंदगी निर्धारित नहीं है, प्लान किए बैठे हो। अच्छा मुझे बताओ, यदि आप में से कुछ बच्चे हैं जिसने प्लान किया कि कल की डेट में, यानी आज की नहीं बात कर रहा हूं, कल की बात कर रहा हूं, कल की डेट में 6 बजे से 7 बजे तक आप पढ़ोगे, मुझे बता दो क्या गारंटी है कि 6 से 7 आपका पढ़ने में मन लगेगा? मुझे गारंटी बता दो। क्या पता उस टाइम आपके पास कोई दोस्त आ जाता है, घर वालों का फोन आ जाता है, घर में कोई अकस्मात बात हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हो, आपको नींद आ जाती है, आपको खेलने का मन करता है, क्या पता बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता, कुछ भी होता, कोई आकस्मिक घटना हो जाती, कितना चांस है? तो फिर क्यों भैया कल की प्लानिंग क्यों किए बैठे हो? अरे आज करो ना, आज का दिन आपके पास है, आज का पल आज के आपके पास है, अभी आपके पास है, और इस आप अभी के पल का फायदा उठाओ। कल किसी ने नहीं देखा, तो कल में नहीं जीना है,
आज में जीना सीखो, अभी में जीना सीखो, अभी की जिम्मेदारी लो कि अभी आप पढ़ोगे, कल की आपकी कोई जिम्मेदारी कि कल आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। प्लानिंग लंबी नहीं बनानी, बड़ी नहीं बनानी, बड़े समय के लिए नहीं बनानी। कमिटमेंट बड़े नहीं करने, बड़े समय के लिए नहीं करने। छोटे छोटे कमिटमेंट से, छोटे छोटे समय को यदि सदुपयोग करते चले गए, समय बड़ा बनता चला जाएगा और जिंदगी जो चाहोगे वो मिलेगा इस जिंदगी में। छोटे से छोटे अंश का सदुपयोग करो, ये छोटा सा छोटा अंश मिलके जिंदगी बनाए, ये है आपका जीवन। आप क्या कर रहे हो? नहीं, इस पे फोकस कर रहे हो भाई, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद कर डालोगे अपनी लाइफ को। तो काम कहाँ करना है? छोटे से छोटे टारगेट, लक्ष्य बड़े होने चाहिए, ताकि लक्ष्य बड़े तो एक्शन बड़ा, एक्शन बड़ा तो एक्शन बड़ा तब होगा जब आप इस डायरेक्शन पे काम करना शुरू कर दोगे। तो आज के सेशन में मैं दो चीज़ें आपको सिखाना चाहता था। पहले, बड़े कमिटमेंट नहीं करने, दूसरा, अभी में जीना सीखना है। कल क्या होगा देखा जाएगा, कल के लिए खाने को मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा कल जाने। आज मिल रहा है ना, आज की जिम गारंटी है ना, कल की गारंटी में क्यों मर रहे हो यार? कुछ नहीं होना, एग्जाम होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो, अरे जो होना होगा हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ अभी है। अभी मुझे पता है मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा सिलेबस है, मेरा पाठ्यक्रम है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बस। कल में मत मरो, कल आपको मार देगा, कल मौत का नाम है, कल मृत्यु है, जो कल में जीता है वो मौत में जीता है, वो अभी मर चुका है। तो मेरी इस बात को आप समझिए जो मैंने आपको बताया। फिर से उठ खड़े होइए और अभी को बर्बाद मत जाने दीजिए। अभी की बर्बादी जीवन की बर्बादी, क्यों करनी जीवन की बर्बादी? इतना सस्ता जीवन थोड़ा ना है, है क्या? नहीं ना, नहीं तो फिर अपने जीवन को हम इतना इम्पोर्टेंस देंगे? हमें देना चाहिए, हमारा जीवन है, किसी और का जीवन तो है नहीं, है ना? तो चलिए अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाइए और अपने जीवन को ऊर्जान्वित बनाइए और अपने जीवन के लिए लग जाइए, परिश्रम के साथ लग जाइए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।